और मेरे आए 30 पॉइंट। क्या बात है, क्या आप अपने कमरे में एक पिनबॉल मशीन चाहते हैं? आप इसे बेड पर लेटे लेटे खेल सकते हैं या इसे अपने दोस्तों के घर ले जाकर भी खेल सकते हैं। आर्ट अटैक पिनबॉल मशीन से सब कुछ मुमकिन है। और जानते हैं इसकी एक और खासियत, आप इसको अपने मनपसंद थीम के मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। क्या आपको ये लाल गाड़ी पसंद है जो रेगिस्तान में बड़ी रफ्तार से दौड़ती है, या ये वाला ब्राउन ट्रक जो रास्ते पे आराम आराम से चलता है? तो चलिए अब अपना इंजन शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसे बनाना कोई असली कार रेस से कम नहीं है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत है इस तरह के जूते के डब्बे की। इसका इस्तेमाल करके हम प्ले फील्ड बनाएंगे। अब आगे आगे देखिए हम क्या करने वाले हैं। एक शू बॉक्स लीजिए और इसके सामने के बेस पर रूलर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, एकदम ऐसी। शू बॉक्स के साइड्स पर डायगोनल लाइंस बनाइए, टॉप बैक कॉर्नर से लेकर पहले ट्रेस की हुई लाइन के दोनों सिरों तक। अब बॉक्स को ध्यान से काटिए। इसके लिए हमेशा किसी बड़े की मदद लीजिए और आपको मिलेंगे ऐसे दो पीस। दोनों को इकट्ठा करके जोड़िए कुछ इस तरह। इसके बाद इसे टेप से चिपका दीजिए। दोनों पीसेस को इस तरह इंक्लाइन होना बहुत जरूरी है। अब एक छोटा सा बॉल लीजिए, जैसे कि एक पिंग पोंग बॉल, और लीजिए कुछ प्लास्टिक बॉटल कैप्स जो बॉल से छोटी हो। उन्हें इस्तेमाल करके आप प्ले फील्ड के अलग अलग हिस्सों में सर्कल्स बनाइए। अब इस कॉर्नर में एक स्क्वायर ड्रॉ कीजिए। ये स्क्वायर छोटे बॉल से थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि जब आपका गेम शुरू हो जाए तब बॉल उसमें जा सके। अब सब कुछ काट लीजिए। इस पीस को मजबूत बनाने के लिए पूरी चीज को आर्ट अटैक पेस्ट और न्यूज़पेपर से कवर कर दीजिए। पानी और ग्लू की मात्रा एक समान होनी चाहिए। इस तरह दोनों हिस्से जुड़े हुए रहेंगे और ये पीस टूटेगा नहीं। अब आपको बहुत मजा आएगा। साइड बॉल्स पे पहाड़ों की चोटी बनाइए, फिर इसकी थोड़ी कटिंग शटिंग कर दीजिए कुछ ऐसे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इसके साइड्स तो एकदम पहाड़ी जैसे दिखते हैं। और हाँ दोस्तों, इस गेम के हर हिस्से को काटने के लिए किसी बड़े की मदद जरूर लीजिए। प्ले फील्ड तैयार हो चुका है। अब हम सारे पीसेस पे काम करेंगे जो बॉल को गाइड करने में मदद करेंगे और बॉल का रास्ता भी रोकेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। पहले दो रेक्टेंगल कार्डबोर्ड लीजिए, उन्हें सीधा रखकर फोल्ड कीजिए और दोनों को ग्लू से चिपका दीजिए। अब इनके नीचे हिस्से में ग्लू लगाकर यहाँ लगा दीजिए ताकि इससे बॉल को डायरेक्शन मिले। अब दो कैक्टस ड्रॉ करके उन्हें काटिए, नीचे से मोड़कर उन्हें चिपका दीजिए। ये दोनों बॉल के रास्ते की रुकावट बनेंगे। इन्हें प्ले फील्ड पे जो छेद हैं उस पर लगा दीजिए। आप जितनी रुकावटें बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। कॉर्नर बम्पर बनाने के लिए एक रेक्टेंगल कार्डबोर्ड लीजिए, उसे तीन हिस्सों में फोल्ड करके एक ट्रायंगल बनाइए। इस कॉर्नर में लगा दीजिए ताकि बॉल इसे टकराकर बाउंस करे। आखिर में दो छोटे रेक्टेंगल कार्डबोर्ड लीजिए, इनके दोनों सिरों को मोड़कर आपस में जोड़ दीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा खांचा बनाना मत भूलिएगा। इस पर रबर बैंड लगाया जाएगा जो कि बॉल को लॉन्च करेगा। इसे यहाँ लगा दीजिए। देखिए क्या खूब लग रहा है। जैसे ही सारे पीसेस एक साथ लग जाएं, आप एंट्रेंस के दोनों साइड के खांचों पर प्लंजर लगा दीजिए कुछ इस तरह। देखिए कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। अभी के लिए इसे निकाल देते हैं, क्यों, ताकि प्ले फील्ड को आराम से पेंट कर सके। अब अपने ब्रशेस और मार्कर्स तैयार रखिए इस पिनबॉल मशीन को रंग बिरंगा बनाने के लिए। सबसे पहले हम इस रेगिस्तान से गुजरता हुआ एक रास्ता बनाएंगे। रेस कार से जुड़ी हुई जितनी डिटेलिंग होती है आप बना सकते हैं। हम बना रहे हैं ट्रॉफीज, पेट्रोल पंप और फ्लैग्स। बॉक्स के बाहरी हिस्से को एक मोटे ब्रश से पेंट कीजिए। मैं लाल कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रास्ते को देते हैं ग्रे कलर और रेगिस्तान को ऑरेंज। कैक्टस को मैं हरा रंग दे रहा हूँ। डिटेलिंग को कलर करने के लिए एक पतले पेंट ब्रश का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि ये ट्रॉफी। बॉल को डायरेक्ट करने वाले पोर्शन को ब्राउन कलर दीजिए और इन पहाड़ियों को भी। पेंट सूख जाने पर एक ब्लैक मार्कर से रास्ते को ट्रेस कीजिए और हर होल के सामने एक स्कोर लिख दीजिए। सारे डिटेल्स के आउटलाइन कीजिए, जैसे कि ट्रॉफी, ट्रैक्टर्स, पेट्रोल पंप और रॉक्स। परफेक्ट। देखिए मार्कर से ये चट्टाने कितनी अच्छी लग रही हैं। और इन ड्रॉइंग्स को देखिए कितनी क्यूट है ये। खेलने से पहले बस एक आखिरी स्टेप बचा है। मैं एक पिंग पोंग बॉल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपके पास पिंग पोंग बॉल ना हो तो आप न्यूज़पेपर, टेप और आर्ट टैग पे से बॉल बना सकते हैं। चलिए अब एक किरदार बनाते हैं जिस रेस को खत्म करेगा। एक ब्लैक मार्कर से बॉल पर एक फनी से किरदार का चेहरा बनाइए। ये रहा उसका मुंह। चलिए अब इसके अंदर के दांत बनाते हैं, इससे बहुत क्यूट दिखेगा। अब इसे ध्यान से पेंट कीजिए।
इसके लिए एक पतले पेंट ब्रश का इस्तेमाल कीजिएगा। आखिर में एक ब्लैक मार्कर से फाइनल टचेस दीजिए। ये रहा दूसरा बॉल जो गेम को खत्म करेगा। ये लाल कार रेगिस्तान में बड़ी तेजी से भागेगी। देखना चाहेंगे तो देखिए, एक दो तीन, देखा क्या सर्राटे से भागी। तो अब आप अपना खुद का भी पिनबॉल मशीन बना सकते हैं। आप अपनी खुद की कहानी सोचकर अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। देखिए इस पिनबॉल मशीन को मैंने लक्षद्वीप समुद्री टापू से प्रेरित होकर इसे बनाया है। इसमें है ढेर सारी मछलियां और एक बड़ी सी शार्क जो अपना मुंह फाड़े अपने खाने का इंतजार कर रही है। आपके गेम को अनोखा बनाती है छोटी छोटी डिटेल्स, जैसे इसको भी देखिए, जो खास हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों के लिए है। अब है आपकी बारी आर्ट अटैक पिनबॉल मशीन बनाने की और अपनी कहानियों को एक रूप देने की।